बैतूल के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान में छतरपुर जिले की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा देकर खलबली मचा दी। दरअसल निशा बांगरे बैतूल की आमला विधानसभा में पिछले एक साल से सक्रिय हैं और 25 जून को आमला में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित करवाने जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को न तो कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी और न ही कार्यक्रम आयोजित करवाने की। इसके लिए जहां निशा बांगरे ने प्रशासन पर आरोप लगाए, तो वहीं बैतूल एसपी ने बताया कि निशा बांगरे ने कार्यक्रम को लेकर जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए, इसीलिए कार्यक्रम की अनुमति निरस्त की गई है। हम सभी जानते हैं कि आने वाली 25 जून 2023 को आमला में मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन का आयोजन रखा गया है और उसके साथ ही क्योंकि हमारे जो मेहमान है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर रहे हैं, हमारे मेहमान देश विदेश से आने वाले हैं, उसी के तारतम्य में गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा और हमारे जो मेरे पति हैं उनके द्वारा एक सर्वधर्म शांति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था और उसके लिए तमाम अनुमतियां जो प्रशासनिक होनी चाहिए उसके लिए सभी पत्र लिखे थे और इसमें श्रीलंका के न्याय मंत्री भी आने वाले हैं, तथागत बुद्ध की अस्थि अभी आने वाली है, तो इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैंने प्रशासन से अनुमति चाही थी और उस अनुमति को उन्होंने मुझे नहीं दिया। आमला के कुछ गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम की अनुमति चाही गई थी जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन और विश्व शांति पुरस्कार के संबंध में अनुमति चाही गई थी, परंतु इस संबंध में कोई उचित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण जो है अनुशंसा नहीं की गई थी और उसके जिला प्रशासन द्वारा अनुमति। खंडवा पुलिस के हत्थे एक शातिर गैंग चढ़ा है जिसने एमपी सहित अन्य प्रदेशों में भी चोरी की है। मुखबिर की सूचना पर खंडवा पुलिस ने 8 लोगों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा। इन्हें सब्बल, टॉमी, चाकू, लोहे की रॉड के साथ 12 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। इन आरोपियों ने खंडवा के 3 थाना क्षेत्रों में 7 चोरियां करना कबूल की है। अन्य मामलों के लिए पुलिस इनको रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है।